बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले एटम होता क्या है? जब हम एटम की बात करते हैं, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर का तो आपको पता ही होगा, ये तो बच्चों की किताबों के अंदर डेफिनेशन होती है, जिसको हम आम जुबान में कहते थे मादा क्या है। मैटर ईच एंड एवरी थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मैस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, लाइक जिसका हजम भी हो और जिसका वजन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फिर मैटर की आगे आपको पता है टाइप्स हैं। प्योर मैटर वो एलिमेंट कहलाता है, जिस तरह हाइड्रोजन हो गया, सोडियम, पोटाशियम, अगर अकेला प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं वो एलिमेंट है। अगर वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर उन्होंने मिलकर कोई केमिकल कंपाउंड बनाया हुआ है तो उसको हम कह देते हैं कि वो कंपाउंड है। अगर वो मिक्स फॉर्म के अंदर है, जिस तरह एयर के अंदर आप देखें उसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो डिफरेंट किस्म के गैसेस वहाँ पे मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं कि वो मिक्सचर है। तो पर वो तो मैटर के रिलेटेड हो गया। तो मैटर का जो छोटे से छोटा उसका पार्टिकल हो सकता है वो आपका क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। ये डेफिनेशन की थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने ये जब डेफिनेशन की थी, उस वक्त उसको नहीं आइडिया था कि एटम जो है वो फर्दर डिविजिबल भी हो सकता है। जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज़ फर्दर इनडिविजिबल। अभी हमें यहाँ के पता भी है कि जब हम एटम को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम फौरन ही कह देते हैं कि जो एटम है जी, उसके दो हिस्से होते हैं, अंदर न्यूक्लियस है और बाहर उसके जनाब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। और भाई, जब आपने पहले तो अभी कहा कि जी एटम इनडिविजिबल है, ये एज ए ट्रेडिशन हम डेफिनेशन यही कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम एटम के स्ट्रक्चर पे। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम का एक जो इनर पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसका जो आउटर पार्ट जहाँ पे उस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड शेल, और उसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। अब एटम के अंदर तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनमें सबसे पहले क्या आ जाता है आपका? प्रोटॉन, जो कि आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूट्रॉन, वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। और बाहर आपका इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है। प्रोटॉन जो कि आपका न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन ये भी आपका न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, एंड इलेक्ट्रॉन ये आपका ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। अब इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसके अलावा भी मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक फोकस है वो इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर भी होता है। न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं ये फर्दर इनको सब डिवाइड किया जा सकता है। दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, दे आर मेड अप ऑफ ग्लूऑन्स, लेकिन हम उतना डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में कहीं पे एमसीक्यू में हो सकता है एग्जामिनर आपसे कभी पूछ ले, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो इससे ज़्यादा फर्दर डिटेल में नहीं जाता। अब आप अगर आ जाएं इनकी फीचर्स के मुतलक, तो सबसे पहली बात है प्रोटॉन पे, आप मुझे ये बताएं कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज है जी? प्रोटॉन पे सबको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है जी? निल, कोई चार्ज नहीं। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। आपका जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि अगर हम किसी एक एटम के एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन के एग्जांपल ले लेते हैं, देखें हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है तो बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक और अगली बात याद रखें, दोनों पे जो चार्ज की मिकदार है, अगली फीचर, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो दोनों पे क्या है? बराबर है। अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पे बराबर है। इट मीन्स के प्रोटॉन पे भी 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम, कोलम यूनिट है चार्ज का, इतना ही चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे भी 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम ही चार्ज है। तो दोनों पे चार्ज की मकदार सेम है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन, उसकी जो है वो डिफरेंस है। और आपको पता है न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है। अब उसके बाद आपका आ जाता है रिलेटिव चार्ज दोनों पे बराबर है। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर हम देखते हैं कि एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन एज ए न्यूट्रल एटम उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैस का। जब हम मैस की बात करते हैं तो मैस में एक बात याद रखें कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये काफ़ी हैवी पार्टिकल हैं।
और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का पार्टिकल है। तो पहला मैं मास जो आपको यहाँ पे बयान करूँगा वो है आपका रिलेटिव मास। रिलेटिव मास से क्या मतलब है कि हम कंपेरेटिव अगर हम उसका करें कंपेयर में, तो हम कंपेरेटिव अगर करें कि जो प्रोटॉन का मास है वो 1 EMU है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास जो है वो 1 AMU है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसका 1/1836 AMU। इट मीन्स कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से 1836 गुना हल्का एटम है, 1836 टाइम्स लेस वेट इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इन दोनों का जो आपस में मास है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल जो है उसके अंदर डिफरेंस है। एक्चुअल मास कितना है, बात का हो सकता है यू माइट गेट अ MCQ कि आपका जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन है उन पे एक्चुअल मास कितना है। पहला आपको मैंने बता दिया इसमें चार्ज, रिलेटिव चार्ज भी आपको बता दिया कि इस पे रिलेटिव चार्ज फिर क्या प्लस वन है तो इस पे माइनस वन है। रिलेटिव चार्ज की हम जब बात करेंगे तो आपका ये ओवर एक्चुअल चार्ज था, तो रिलेटिव की बात करेंगे तो इस पे प्लस वन है तो इस पे माइनस वन है, और आपको पता है न्यूट्रॉन पे तो है ही कोई नहीं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे रिलेटिव मास की। अब रिलेटिव मास के बाद हम आएंगे एब्सोल्यूट मास या एक्चुअल मास के ऊपर। एब्सोल्यूट भी उसको आप कह सकते हो और इसको आप एक्चुअल मास भी कह सकते हो। जब हम एक्चुअल या एब्सोल्यूट मास की बात करते हैं तो उसमें आप याद रखें कि जो आपका प्रोटॉन है इसका जो एक्चुअल मास है 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। सिमिलरली जो आपका न्यूट्रॉन है उसका आपको मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट सेम है, −27 किलोग्राम। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम। इसमें देखें माइनस का फिगर भी ज़्यादा आ गया है, बड़ा आ गया। इट मींस कि ये बहुत ही लाइटर पार्टिकल है। तो ये तो आपको एक चार्ट आपका ये टेबल बुक के अंदर आपको डिटेल में दिया हुआ है, इसको आपने क्रैम करना है। मेरा ख्याल है कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मैं इसको यहाँ पर आपको रिपीट भी एक दफ़ा कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव में ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड। तीन चार चीज़ें आपने याद रखनी है, चार्ज याद रखना है और मास याद रखना है, वो भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव। फिर उसकी तादाद पे भी हम आते हैं, अभी अगले फीचर पे भी हम जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे क्या है, नील। आप प्रोटॉन पे अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो दोनों पे मैंने क्या बताया था, चार्ज की मिकदार बराबर है। प्रोटॉन पे प्लस वन है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस वन है। जब हम एब्सोल्यूट चार्ज की बात करते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम दोनों पे ही है। प्रोटॉन पे वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे वो क्या है, नेगेटिव है। फिर हमने मास की बात की, मास, रिलेटिव मास, तो प्रोटॉन का 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, न्यूट्रॉन का भी 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 1/1836 टाइम्स स्मॉलर देन द प्रोटॉन, वो प्रोटॉन से 101/1836 गुना क्या है, हल्का है। फिर हम एब्सोल्यूट मास की तरफ आ गए, वो 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम जो है वो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का है, एंड 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन का है। ये आपका हो गया जनाब ओवरऑल जो इसका है फीचर्स, जिसको हम फिज़िकल फीचर्स कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम की जो फिज़िकल फीचर्स हैं। अब आ जाते हैं एटम के कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह एटॉमिक नंबर हो गया या मास नंबर हो गया। ये एग्ज़ाम के अंदर अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है। कोई भी जो एटम है उसकी शनाख्त उसका एटॉमिक नंबर होता है, ये बात आपने याद रखनी है। कोई भी एटम उसके शनाख्त उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है, इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, इसी को प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और इसको हम इसका बकायदा लिखने का तरीकाकार भी है, इसको हम उसके लेफ्ट साइड पे नीचे लिखते हैं। ये एक सोडियम एटम है, तो सोडियम के ऑब्वियसली यहाँ पे मैं नीचे लिखूँगा, ये सोडियम एटम है
तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें पता है कि कुल 11 प्रोटॉन है, तो मैं यहाँ पे 11 प्रोटॉन लिख दूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे करके इसको नीचे 11 प्रोटॉन लिखूंगा, इसी तरह। फिर अगर मैं बात करूँ किसी यूरेनियम की, बात कर लेते हैं, यूरेनियम आपको पता है बहुत बड़ा एटम है, उसके अंदर 92 प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 92। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी जनाब। तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं, और ये हर एटम के मखसूस होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मखसूस होते हैं। हाइड्रोजन, उसके अंदर एक प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 1। उसके बाद दूसरा क्या आ गया, हीलियम, फिर क्या आ गया लिथियम, फिर क्या आ गया ब्रिलियम, फिर क्या आ गया बोरान, फिर क्या आ गया कार्बन, फिर क्या आ गया नाइट्रोजन। अब ज़रा देखे जाएगा, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर, लिथियम का 3, ब्रिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, एंड इट गोज ऑन। ये क्या शो करता है, अगर आपको कोई बंदा कहता है कि यार ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, तो आप उसको कहें कि भाई जी साइंस के मुताबिक आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। पंजाबी में वो क्या करता हूँ कि आप चाहे तते तवे पे बैठ जाएं, ठीक है, ये बात आपकी सच नहीं हो सकती। हाइड्रोजन के अंदर हमेशा क्या होगा, एक ही प्रोटॉन होगा। हीलियम के अंदर कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, ये हम बकायदा पूरा आगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन किसी भी एटम के प्रोटॉन्स की तादाद डिफर नहीं कर सकती, ये स्पेसिफिक है। देयरफॉर एटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके प्रोटॉन की तादाद को यूज़ करते हैं।